जानूंगा कैसे हम लोग। तो आज की इस वीकली क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि जो डॉलर है वो 160 भी अटक चुका है। सिम्पसन्स की एक और प्रेडिक्शन सामने आ चुकी है, फैटफ और पाकिस्तान खालिस्तान और बहुत कुछ। डॉलर जो है वो इस टाइम 160 रुपए पे अटका हुआ है। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि रुपए अभी तक स्टेबल चल रहा है, मतलब 60, 61, 62 बस यहाँ तक जा रहा है, वो 67 तक नहीं पहुंच जाता। बुरी बात यह है कि इसको नीचे और आना चाहिए, क्योंकि जो दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को बचा के रखा, तबाह हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई जितनी एज कम्पेयर टू इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालकों की हुई है। लेकिन एक चीज़, ये जो इस टाइम जो डॉलर आपका जो सस्टेन होता जा रहा है ना डे बाय डे, मतलब सोना महंगा हो रहा है, वो तो सोना तो ना ही खरीदो तो अच्छा है, उसके लिए आपको किडनियाँ बेचनी पड़ेंगी, लेकिन जो डॉलर है वो आपका सस्टेन है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ये मतलब 4 रुपये कम होता है फिर 4 रुपये वापस बढ़ जाता है, फिर 3 रुपये कम होता है तो 5 पैसा बढ़ जाता है, सॉरी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एशिया और यूरोप की अब नई तिजारत गाह खुल रही है, ये चीन का है, मतलब ये जो आपका सी पैक है ये वही है, मतलब वो एक ML1 ट्रेन का जो मंसूबा है ना, वो ये है वो चीज़ जो कि यूरोप और एशिया की जो ट्रेड है उसको चलाएगा। ये आपका चीन में भी ऊपर रशिया से भी आता हो, लेकिन मेन इसका चीन, चीन से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से तेहरान, फिर तेहरान से इस्तांबुल, फिर आगे यूरोप, ये पूरा एक सर्कल है। जब ये ट्रेन पाकिस्तान में रुकेगी तो जाहिर बात है कि वहाँ का खाना खाएगी, टूल अदा करेगी, टैक्स अदा, मतलब पाकिस्तान को इससे फायदा थोड़ा बहुत होगा। और इससे एक बड़ी चीज कि आप इसमें अपना सामान भी लोड करवा सकते जो हम बना रहे हैं। अब गलती हमारी है कि हम कुछ बना ही नहीं रहे इतने सालों से, बस वही है चाइना का माल, ये चाइना का माल जो चेप चेप के हम पाकिस्तान को चाइना बना डाला है, हमें अब अपनी चीजें बनानी चाहिए। ये एक उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया का एक गाँव है जो की अभी अभी स्पॉट हुआ बुरसा से, भी सर्दियां आई हैं तो वहां पे कोई एक बंदा गया था तो उसने वहां पे स्पॉट किया कि ये ऑटोमन एम्पायर का पुराना गांव है। मतलब देखें, ये वो टाइम आ चुका कि मैंने आपको पिछले कुछ वीकली कोर्सेज में आपको बताया कि कभी चाइना से कोई 1000 साल पुराना कोई शहर निकलाता है, तो कभी इजिप्ट से कोई 1000 साल पुरानी मम्मी निकल आती है, प्लस इनमें खुदाई करो तो एक वो देव कामद इंसान की हड्डियां बाहर आ जाती है। तो ये होड़ है और ये अब नेचुरल हो गया, अब इस पर कोई मतलब खौफ नहीं और वलवला नहीं आता क्योंकि हम आदि हो चुके हैं। अब अगर यहाँ से कोई 10,000 साल पुरानी चीज भी आ जाएगी तो हमें कुछ भी नहीं होगा, हम बस फोटो उतार के इंस्टाग्राम पे चिपका देंगे क्योंकि अब हम आदि हो चुके हैं। सिम्पसन ने प्रेडिक्शन की थी फिर से, क्योंकि ये मुझे लगता है ये कार्टून ना, मुझे लग रहा है कि ये प्रेडिक्टर कार्टून है। इसने प्रेडिक्ट किया, किसने कहा था कि 2021 में कमाला हारिस जो नामी औरत वाइस प्रेसिडेंट बनी, की सारी यहूदी लॉबी है। मैं ऐसा पाकिस्तानी नहीं, सारी दुनिया जानती है कि ये सिम्पसन्स कार्टून जो था वो मतलब एथीस्ट था वो, मतलब वो किसी रब को नहीं, वो कहता था खुदा ही नहीं नाउज़ बिल्ला, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट ज़्यादा था वो यहूदियों की तरफ जा रहा था। अब आपको शायद आपको पता हो कि ये इस टाइम पूरी दुनिया यहूदियों के कंट्रोल में, आप खुद सोचें जब एक इतना पिद्दा सा इसराइल अमेरिका की मुश्किल 100% यहूदियों के कब्जे में है, फिर एक छोटा सा मुल्क जो अमेरिका के ना उसकी टेक्नोलॉजी ऊपर है ना उसकी मुश्किल ऊपर है, कुछ भी उसका मतलब कोई चीज से वो बढ़ता नहीं है अमेरिका से, लेकिन फिर भी वो उसने अमेरिका को तीन का नाद नचवाया। जॉर्ज बुश के साथ भी यही हुआ, इतना ताकतवर शख्स लेकिन हार गए। अच्छी बात यह है कि कोरोना वायरस के किसी बदतरीज कम होते जा रहे हैं, लेकिन आज रिसेंटली 60 के करीब हम बातें हुई हैं और 2100 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 2100 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं, मतलब ये पिछले 5-7-10 दिनों से केसेस कम हो रहे हैं। 1918-1917-1916-1915 ये गैप, ये इलाका है कोरोना के केसेस का, लेकिन अब रिसेंटली ये 2000 को क्रॉस कर गया विद 60 डेथ्स, अमवात बढ़ती जा रही, क्योंकि अब देखिए मंडे से कल से यानी कि आपके स्कूल भी खुल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज भी खुल जाएंगे, तो ये दोबारा बढ़ेगा। देखो होता क्या है, देखिए जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया जब तक ये रहेगा हमारी पढ़ाई अंडर एस्टिमेट होती रहेगी। अच्छा, ये आजकल PCB जो है ये दुनिया भर के सारे ब्रॉडकास्टर से डील पर डील कर रहा है क्योंकि वो चाहता है, और ये चीज मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज इस टाइम पूरे वर्ल्ड वाइड में दिखाई जा रही है, ये बहुत अच्छी चीज, और ये बल्कि इन्होंने सोनी टीवी जो सोनी नेटवर्क इंडिया उसे भी डील कर ली है कि आप भी दिखाओ हमारे मैच, अल्लाह करे कि वो माने, लेकिन हमने तो उनको डील दे दी है, आगे देखो। लेकिन पाकिस्तान की ये जो कामयाबी चल रही है ये एक सुपर कामयाबी के साउथ अफ्रीका ही हुई, वैसे बाजार है तो इस टाइम छोटी टीम है, लेकिन साउथ अफ्रीका अपने टाइम एक बहुत बड़ी टीम, और ये काफी टाइम बाद आउटसाइड एशिया एक टीम आई है।
सिखों ने दावा बड़ा बोल दिया है। ओ भाई 1947 में ये जब दो मुल्क आजाद हो गए थे ना, गांधी ने एक चीज कहा था। गांधी ने क्या कहा था? गांधी ने कहा था हमारे पास हिंदुस्तान में एक पागल कौम, एक जुनूनी कौम, एक लड़ने मरने वाली कौम बैठी हुई है, वो है सिख कौम। उधर से काजी आजम का रिप्लाई है, काजी आजम ने कहा था कि हमारे पास तीन गुना ज्यादा पागल जुनूनी और लड़ाका कौम वो पठान कौम है, पठान पावर जैसे आप कहते हैं। लेकिन जब आप पठान और सिखों को तंग करेंगे तो वो कुछ छोड़ेंगे नहीं, वो छोड़ने वाले नहीं है, वो दावा बोलते हैं। और फार्मर तो वैसे ही दावा बोलने के लिए तैयार होते हैं, तो फिर सिख है। और मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं दिल से एज अ पाकिस्तानी नहीं, लेकिन मैं एज अ इंडिविजुअल के तौर पर कह रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आया। क्योंकि ये जो मोदी इस टाइम बैठा हुआ है, ये जो 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 मैड पॉलिटिक्स बैठी हुई है जिसपे आपका मोदी अमित डोवल, ये जो मैड, ये जो तीन बंदे बैठे हुए, इन्होंने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया। और अब ये देखिए कि उन्होंने लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा लगा दिया, मैं बहुत खुश। क्योंकि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद कह रहा है कि लड़ो 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 माइनॉरिटीज को तंग करो। यार हिंदुस्तान तो मेरा से पैर वो वाहिद मुल्क जो माइनॉरिटीज को परेशान कर रहा है। यार अजरबैजान ने क्या किया, उसने हमें तेल दिया। अजरबैजान वो मुल्क है जिसके पास बेच बहा तेल है, वो डेली बेसिस पे 8 लाख बैरल तेल इस्तेमाल करता है, और वो 95% बिजली, 90-95% बिजली तेल से बनाता है। तो उसने पाकिस्तान को तेल दिया बहुत मकदार में तुर्की की वजह से, क्योंकि तुर्की ने कहा था कि आप नहीं बेचारा, क्योंकि तुर्की ने अजरबैजान को कहा कि यार ये बेचारा ये गरीब मुल्क है, चीज मर जाएगा ये बेचारा, ये फिर अगर ये मर गया तो तुम ड्रामे कौन हिट करेगा, इस्लामी जो ड्रामे हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती आप हमें तेल नहीं दे सकते, सॉरी हम नहीं ले सकते, जैसे चीन ने किया। चीन ने हमें कर्जे बहुत दिए हैं, लेकिन उसकी मजे की बात हो क्या, हिंदुस्तान बार बार कह रहा है ना कि पाकिस्तान चीन के कर्ज में दब जाएगा, हम कोई नहीं दबेंगे इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि चीन को पता है कि यार ये बेचारा गरीब मुल्क है, मर जाएगा। चाइना ने कहा है कि देखो हमने आपको कर्जा दे दिया, बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन जब तक आपकी मॉरिशस स्टैंडेबल नहीं हो सकती, मतलब 400 500 600 अरब डॉलर तक नहीं पहुंच सकती, तब तक आप हमें पैसे नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी बल्कि हमें एक ऑफर दी, बड़ी अच्छी ऑफर दी, अगर आपकी इकोनॉमी चल भी जाती है ना तो फिर आप उस तरह पैसों में आप हमें किस्त अदा करें जितने में आप सूटेबल हो, जितने में आप खुले डोले हो। मतलब अगर आपकी इकोनॉमी 600 अरब है और अगर आप 2 या 3 अरब डॉलर कट करके आप हमें देना चाहते हैं कर्जा, गुड आप दे दें। मजे की बात, मोदी के लिए बड़े मजे की बात है, आपकी खूबसूरत पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी पिछले साल 7.7% डूब गई है। ये मोदी जो है ये पहला ऐसा शख्स है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा अपना मुल्क तबाह कर, अपना घर तोड़ने में लगा, पागल है जो अपना घर तोड़ने में लगता है। एक बार मिला दे। ये क्या पता नहीं अजीब सी चीज PIA को मिली हमारी, वैसे PIA भी शाकाहारी है, मतलब नवाबों की ये एयरलाइंस है, कभी मलेशिया रोक लेता है तो कभी तुर्की रोक लेता है, कभी चीन रोक लेता है। भाई तुम लोग कहाँ कहाँ झंडे गाड़ रही है, हमारे दोस्त मुल्क हैं भाई मेरे, ये दोस्त मुल्क हैं हमारे, यहाँ पे तो अपनी इज्जत बना के रखो। और एक बड़ी एंड पे खुशखबरी, खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान का फैक्ट ऑफ ग्रे लिस्ट से निकलने का बहुत ज्यादा कवे इम्कान है। और ये एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर कैसे, क्योंकि कुछ सितंबर अक्टूबर की बात है, फैक्ट ऑफ का इजलास हुआ पाकिस्तान के ऊपर, जब हमारा पूरा मीडिया हाइप होगा तो क्या होगा क्या होगा, मैं खुद बना था कि यार वायर लिस्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान को तो वाड़े नहीं आड़े हो जाएंगे। इस टाइम अगर पाकिस्तान वायर लिस्टेड हो जाता तो ये पाकिस्तान के लिए ईदगाह होगा, क्यों, क्योंकि जब एक मुल्क वायर लिस्टेड, अब देखिए ईरान ब्लैक लिस्ट किया हुआ है अमरीका ने, अब जब तक हम, अब जो बाइडन देखो जो बाइडन क्या करता है, मेरी दुआ है कि जो बाइडन ईरान को वायर लिस्ट ना करे, अभी ग्रे लिस्ट तो कर दे कम से कम, वो कम से कम कुछ कर तो सके, हाथ पैर तो मारे बेचारा। और मैं कह रहा हूँ जिस दिन ये ग्रे लिस्ट हो गया पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ जाएगी, रशिया चाइना पाकिस्तान तुर्की इसे आगे तेल दो हमें, और उसके वाड़े नहीं आड़े हो जाएंगे, मतलब चाइना के बजाय ईरानी ना सुपर पावर बन जाए। बैक टू पाकिस्तान, बहुत खुश अच्छी खबर आई है कि पहले 27 पॉइंट्स थे क्योंकि, और उसमें पाकिस्तान ने 21 पूरे कर लिए थे, तकरीबन 75-80% आपकी बनती है, क्योंकि काफी A+ ग्रेड में आप आ जाते हो, बस पैसा आएगा, पाकिस्तान का जो रुपया वो ताकतवर होगा, डॉलर नीचे होगा, महंगाई खत्म, मतलब महंगाई में कमी आई, पाकिस्तान फ्री ट्रेड जोन बन जाएगा, मतलब हर कोई यहाँ पे आकर ट्रेडिंग कर सकता है, हर कोई यहाँ पे आकर तजारत कर सकता है, और पासों को पैसा देगा अगेन। तो दुआ करोगे पाकिस्तान थोड़ा वायलेंट हो जाए और हमें भी थोड़ा सुख का सांस मिले, और हम भी अल्लाह से फिर रोके, फिर पासों के वाड़े निहाड़े हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जब वायर लिस्ट हो गए तो मेरी एक दुआ रहती है कि किसी ना किसी तरीके से ईरान ग्रे लिस्टेड हो जाए, ईरान पहुंच जाए ग्रे लिस्ट में, फिर पाकिस्तान फ्री ऑफ हो, फिर पाकिस्तान ठंडा हो जाएगा, पाकिस्तान की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, फिर पाकिस्तान के इंटरनल मसले होंगे, पॉलिटिक्स के वो हर मुल्क में होते हैं, वो तो होते रहेंगे। ये अदा भी उसकी क्या? यार ये मुझे किसी ने, मैंने इंस्टाग्राम पे देखी कि अर्दुआन साहब फुटबॉल खेल रहे हैं, पता नहीं पुरानी की नहीं, लेकिन मुझे तो अभी भी किसी ने शेयर किया है और नीचे लिखा हुआ था अपलोडेड, अर्दुआन साहब आप फुटबॉलर हैं, मतलब
तुर्की का प्राइम प्रेसिडेंट वो फुटबॉलर है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर है, तो दोनों स्पोर्ट्स मैन है, दोनों के अकल साथ में लड़ेंगे, इस्लामिक लीडर है, मजे ही मजे। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।